हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को घर में बिना मशीन का हाथ से कैसे पिको किया जाता है ये दिखाती हूँ। देखना, ये आप लोग शिफॉन का साड़ी, जैसे जल्दी से आपका नया लाए हैं तो पिको नहीं किया हुआ, तो घर में भी आप कर सकती है ऐसे। यह मैंने ऐसे पीस था, पीस में ऐसे कर दिखाने के लिए। ये देखिए, अब रेशमी धागा भी ले सकते हैं और इस तरह के धागा कलर वाला मैच करके ले सकते हैं। ये देखिए, ऐसे रेशमी धागा भी होता है और ऐसे आपको सूती धागा भी होता है। तो कैसे भी आप, जैसे आपको अच्छा लगे आप ले लेना। मैं दिखा रही हूँ कैसे, तो ज़रूरत ही नहीं आपको टेलर के पास जाने के लिए ऐसे करना। देखिए, पहले से लेना, फिर एक बार ऐसे करना, इसके अंदर से लेके ऐसे। इसका सिर, इसका जो ये माथा है सिर, इसको अच्छा से बंद कर देना, फिर शुरू करेंगे। देखिए ऐसे, अच्छा जैसे साड़ी का ये ऐसे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं, हाथ में थोड़ा पानी या वैसे टच करके ऐसे ऐसे कर लेना इसको। ये देखिए, ऐसे करते हुए थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़े। छोटे छोटे रुमाल बच्चों का होता है स्कूल जाने का, तो पीको करना पड़ता है, तो ऐसे हाथ से कर लेना। ये देखिए, ऐसे करके इसमें दो दो दे देना, तो फिर सुंदर सा एक डिजाइन सा आता है। देखिए, देखिए रेशमी धागा से भी सुंदर होता है। मेरे पास था कलर, ऐसे इसी से कर ली मैंने। ये देखिए, इसे क्या ऐसे दो बार ऐसे दे देना, देखे ऐसा। ये देखिए, इसको ऐसा करके ऐसा। देखिए, घर में ही ऐसा, ये छोटे छोटे काम किस लिए पैसा खर्चा करना, किस लिए अपना जब भी टाइम मिलेगा तो साड़ी, शिफॉन का जो साड़ी होता है, ये सब अपना खुद ही कर लेना बैठ के। मैं भी वही करती हूँ। ये देखिए, बार बार इस तरफ से घुमाते रहना, इस तरफ से ऐसा लाके यहाँ से ऐसा, फिर ऐसे दो दो ऐसे घुमा देना इसको, फिर इसको सामने। देखिए, ये देखिए, ये मशीन एकदम एग्जैक्ट मशीन का ही हो रहा है, सिर्फ हाथ से, ये बिना मशीन से हाथ से पीको। ये देखिए, देख ले फ्रेंड, दोस्तों आप लोग सुंदर सा ऐसा ऐसा देंगे, तो ये जो हाथ में है इसका इधर घुमा देना। देखिए, बार बार इसको ऐसे इस तरफ ले आना ऐसे, और इसी को ऐसे दो बार घुमा देना, तीन बार भी घुमा देने से कोई बात नहीं, अच्छा ही लगता है देखने में ऐसे। फिर इसको इस तरफ ले आना, क्या धीरे से खींचते हुए ऐसे। ये देखिए, ये एकदम देखिए, ये दुकान मशीन का जैसा एकदम पिको होता है। ये देखिए, ये घर में ही कर लेना ठीक है, क्यों आप दुकान में जाएंगे। आजकल एक साड़ी का पीको का 100 रुपया लगता है, दो आगे पीछे का। ये देखिए, और इस तरफ का खाली बार बार हाथ से ऐसा करते जाना, इसको फोल्ड नहीं करना, फोल्ड करने से अच्छा नहीं लगता। ये देखिए, इस तरफ ऐसे, इसी तरह करते रहिए। ये देखिए, ऐसे
बार बार ऐसे ऐसे अंगली से ऐसा ये सुंदर लगता है। इसको ऐसा घुमा के फिर इसको इस तरफ ये देखिए एकदम ये देखिए पीको, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, देख लीजिए देखिए। इतना घना घना नहीं देने से भी चलेगा, थोड़ा दूर दूर देने से, हम आपको दिखाने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा दूर इतना आपको ये सब में इतना चोट भी नहीं लगता है साड़ी में व कोई चीज़ में, ये थोड़ा दूर दूर देने से ऐसे आपको ठीक ही लगता है। ये देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब करना दोस्तों। मैं तो पेपर कटिंग बहुत सारे दिखाया, आप लोग मेरा साथ बने हैं, बहुत कुछ आप लोग लिखते हैं, अच्छा लगता है दोस्तों। अब मेरे साथ बने रहे, मैं बहुत कुछ धीरे धीरे दिखाऊंगी, मेरा भी उम्र भी हो गया काफ़ी, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लगता है, ये थोड़ा दूर दूर देने से और ज़्यादा सुंदर लगता है। मैं यहाँ थोड़ा घना दे दिया इस तरफ, इसी सब के काटने का भी ज़रूरत नहीं। ये देखिए ऐसा करके, इसको ऐसा करके थोड़ा ये देखिए ऐसा, यही सब मशीन में होता है। देखिए थोड़ा दूर दूर ले लेना, इसमें कोई वो नहीं, साड़ी में तो कोई ताकत भी नहीं लगता इसमें फाड़ने की, टूटने की ज़रूरत वो भी नहीं। देखिए मैं थोड़ा बैठी हूँ, ये देखिए इस तरफ खूब सुंदर होता है दोस्तों। ये देखिए खूब अच्छा से करना, मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखाने के लिए, इतना ज़्यादा सुंदर भी नहीं हुआ, नहीं तो मैं हाथ से जो करती हूँ ना बहुत सुंदर लगता है देखने में। देखिए बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों, इतना ही मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, आप मेरे साथ बने रहें। ये देखिए घर में बिना मशीन के हाथ से पीको कैसे होता है, ये दिखाया।